ये रोटेट हो जाता है लेकिन थोड़ा टाइट होता है, तो यहीं से आप। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कार 24। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कार में जो क्लच का फ्री प्ले होता है ये क्या होता है और इसे हम घर पे कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और गाड़ी में कितना फ्री प्ले रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उसको टाइट कर देना है, थोड़ा फ्री प्ले भी होना चाहिए, लगभग आधा इंच से एक इंच तक रहता है फ्री प्ले, तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हालांकि कंपनी कुछ कह सकती है, कुछ अलग बात कहती है कि कुछ mm रहना चाहिए, लेकिन आधा इंच तक रहना चाहिए, काफ़ी ठीक रहता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरी तरह से टाइट कर देना है। तो इसको हम आसानी से कैसे चेक करें कि हमारी गाड़ी में फ्री प्ले जो है वो कितना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, केवल एक दो उंगली बिल्कुल हौले से दबा के देखना है, कोई प्रेशर अप्लाई नहीं करना है ज़्यादा, बिल्कुल धीरे से। आप देख पा रहे हैं लगभग एक डेढ़ इंच तक फ्री प्ले है मेरी गाड़ी में। हालांकि मैं सेट करके रखता हूं तो आपको ज्यादा फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन आप ऐसे फ्री प्ले को चेक कर सकते हैं। तो जब गाड़ी में फ्री प्ले ज्यादा आ जाता है तो क्लच को हमें दबाने में, कहीं ट्रेवल कर रहे हैं तो क्लच को दबाने में प्रॉब्लम होती है, जिससे गाड़ी बार बार बंद हो जाती है। बंद गाड़ी आपके अगर ट्रैफिक में होती है तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वैसे अगर कहीं खुले चल रहे हैं, कोई सिंपल रोड पे चल रहे हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप ट्रैफिक में हैं तो फ्री प्ले जो होता है वो बहुत ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो इसको हम घर पे कैसे ठीक कर सकते हैं, आइए जानते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ गाड़ी के बोनट में। तो गाड़ी का बोनट मैं ओपन करता हूँ यहाँ से। देखिए दोस्तों, चूहों ने गाड़ी में रोटी लाके रखी है। एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगा कि गाड़ी में चूहों को कैसे कंट्रोल करें। हालांकि गाड़ी में चूहे काफ़ी हद तक कंट्रोल थे, लेकिन अब जो तरीका मैंने पहले इसमें अपनाया था वो एक्सपायर हो चुका है। तो उस तरीके को जब मैं फिर से करूँगा गाड़ी में, तो आपको इसके लिए एक वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। जो पहले मैंने गाड़ी में एक ट्रिक लगाई थी वो काफ़ी हद तक सक्सेस रही थी, लेकिन अब गाड़ी में चूहे फिर से आने लगे हैं, तो लगता है मुझे फिर से वही ट्रिक अपनानी पड़ेगी। तो फिलहाल हम अपने वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये वाला जो लीवर आया हुआ है यहाँ पे, इसी से हम क्लच के एडजस्टमेंट को ठीक करते हैं, क्लच को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो आप इस लीवर को देख पा रहे हैं, इस लीवर को हम सेट करके क्लच का जो एडजस्टमेंट है उसे कर सकते हैं। तो आइए मैं करके बताता हूँ। तो पहले मैं गाड़ी के अंदर जाता हूँ और क्लच को दबा के देखता हूँ और कंफर्म भी कर लीजिएगा कि यही गाड़ी का जो क्लच है उसका लीवर है। तो देखिए मैं गाड़ी के अंदर से इसको दबा रहा हूँ, तो ये अप डाउन मूव कर रहा है, तो इससे कंफर्म हो रहा है कि यही लीवर है। तो ज़्यादा फ्री प्ले है नहीं, फिर भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे ठीक करना है आपको। तो दोस्तों आप ये जो लीवर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये रोटेट हो जाता है लेकिन थोड़ा टाइट होता है, तो यहीं से आप क्लच को एडजस्ट कर सकते हैं। ये हुंडई ग्रैंड टाइटन नियोस है और हुंडई की गाड़ियों में लगभग यहीं पर एडजस्टमेंट करने के लिए दिया गया होता है, बाकी गाड़ियों में अलग हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं। बस आपको ये देखना है कि आपकी गाड़ी में ये कहाँ पे है, जहाँ से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। तो आप इसको इस साइड या इस साइड, थोड़ा टाइट रहता है, घुमा के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरी गाड़ी में लगभग ठीक है, तो मैं इसको छेड़छाड़ नहीं करूंगा, जितना था मैं उसको उतना ही रखता हूं, क्योंकि मैंने पहले से ही गाड़ी में सेट करके रखा था, तो उतना फ्री प्ले गाड़ी में रहना चाहिए लगभग एक इंच तक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम गाड़ी में क्लच को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं गाड़ी में क्लच को एडजस्ट कर चुका हूँ, देखिए मेरा लगभग एक इंच तक ही फ्री प्ले है, और आप भी अपनी गाड़ी में लगभग इतना ही फ्री प्ले रखें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।